दोस्तों कल Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च होने वाली है और जो Redmi Note 10 स्मार्टफोन था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक हो चुकी थी कि वहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप होगा और जितने भी इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में आ चुकी थी। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन के बारे में, जो कि इस सीरीज का सबसे हाइयर वेरियंट होने वाला है और यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ नया और काफ़ी अमेजिंग फीचर्स मिलने वाली है। उसके साथ ही दोस्तों इसमें कमाल का परफॉर्मेंस भी मिलने वाला है, तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल पर, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन में आपको काफ़ी कुछ अपग्रेड इस बार देखने को मिलेगा और इसकी स्पेसिफिकेशंस की पूरी डिटेल अब आ चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। तो 120 हर्ट्ज वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इसके अलावा हाई ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगी इस डिस्प्ले में और सेम सेंटर में पंच होल का डिज़ाइन भी आएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले मिलने वाली है मिड रेंज प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके कैमरा के बारे में। तो 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का, एक अल्ट्रा वाइड लेंस होगा, एक डेप्थ लेंस होगा और एक माइक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। तो इस बार Redmi ने अपने स्मार्टफोन में कैमरा की क्वालिटी में काफ़ी अपग्रेड्स किए हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग फोटो क्लिक कर पाएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का डिज़ाइन होने वाला है स्मार्टफोन का, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी स्टाइलिश लगता है। और इस स्मार्टफोन में आपको तीन कलर्स ऑप्शन होंगे, पहला ग्रे कलर होगा, दूसरा जो है ऑरेंज कलर और एक तीसरा जो है स्काई कलर में। ये स्मार्टफोन तीन कलर्स में देखने को मिलेंगे। वहीं साथ में आपको 5000 mAh की एक बड़ी और पावरफुल बैटरी दी गई है, जिसके साथ में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। जो इसके बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है वो है दोस्तों इसके प्रोसेसर के बारे में, और ये कन्फर्म नहीं है कि इसमें कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि इसमें स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का ही कोई प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफोन में 5G की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगा। वहीं साथ में 6GB और 8GB का रैम ब्रेंड मिलेगा और साथ में 128GB तक का स्टोरेज का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। वहीं साथ में आपको डुअल स्पीकर का भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन की बात करते हैं दोस्तों, तो एक हाई रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले देखने को मिलेगी, एक अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगा, साथ में एक बड़ी बैटरी और इस बार डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। वहीं प्राइस की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 से लेकर 22 हज़ार के बीच में इसका प्राइस देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप हमें कमेंट में यह बताना कि आप Realme 8 सीरीज का वेट कर रहे हैं या Redmi Note 10 सीरीज का, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।